करती है उसके आधार पर हम भारत में जो आर्थिक संकट को जो भारत को झेलना पड़ा है इसको हम रिकूप करेंगे और फिर से जो हमारा लक्ष्य है कि भारत को दुनिया के टॉप 3 देशों की कतार में ले जाकर खड़ा करना, उस कतार को हम खड़ा करेंगे। समय का थोड़ा हेर फेर हो सकता है क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा संकट आया है और आपने देखा प्रधानमंत्री की सूझबूझ का कि संकट की घड़ी में जब आर्थिक झटका लगा हो उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के एक आर्थिक पैकेज की तुरंत घोषणा कर दी। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, मेरे बहनों भाइयों, भारत को यह नया अवसर देगा, भारत को यह एक नई ताकत देगा। और मैं महाराष्ट्र की राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि इस पैकेज का लाभ जितना अधिकतम उठा सकते हो महाराष्ट्र की सरकार को भी इसका लाभ उठाना चाहिए। और इतना ही नहीं, बहनों भाइयों, हम इस आर्थिक संकट से देश को तो हम उबारेंगे ही, और आपने देखा होगा कि इस कोरोना के दौरान कोई भूख से न मरे इसकी भी चिंता हमारी सरकार ने की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुफ्त में गल्ले बांटे गए, इस संकट की घड़ी में मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटे गए, यानी गरीब को बहुत अधिक दौरान कोई भूख से न मरे इसकी भी चिंता हमारी सरकार ने की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुफ्त में गल्ले बांटे गए, इस संकट की घड़ी में मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटे गए, यानी गरीब को बहुत अधिक संकट से न गुजरना पड़े इसकी चिंता की। प्रवासी मजदूरों का जहां तक प्रश्न है, ट्रेन हमारी तैयार थी लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने जिस प्रकार से सहयोग करना चाहिए था, जो सूची तैयार होनी चाहिए थी प्रवासी मजदूरों की, वह तैयार न होने के कारण हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। प्रवासी मजदूरों का जहां तक प्रश्न है, ट्रेन हमारी तैयार थी लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने जिस प्रकार से सहयोग करना चाहिए था, जो सूची तैयार होनी चाहिए थी प्रवासी मजदूरों की, वह तैयार न होने के कारण हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, महाराष्ट्र की जनता को यकीन दिलाना चाहता हूं, अब तक तो जो भी समय गुजरा है 6 वर्षों का, हमारी सरकार ने सारे वह बुनियादी काम किए हैं कि आने वाले कल में हमारा भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनकर खड़ा हो, इसके लिए जो भी काम हो सकता है हमारी सरकार ने किया है। क्या कभी आप कल्पना कर सकते हैं, 60 वर्ष तक लगातार जो राजनीतिक पार्टी हुकूमत की हो, उसके बावजूद भी 18,500 गांव इस देश में ऐसे हों जहां तक कि बिजली की रोशनी न पहुंची हो, लेकिन 6 महीने के अंदर इन गांवों में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की सरकार ने करने में कामयाबी हासिल की है। क्या कोई इस बात की कल्पना कर सकता था, ऐसी सरकार आएगी जो कि देश के हर नागरिक का प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंकों में अकाउंट खोल देगी? क्या कोई ऐसी सरकार आएगी कि यह संकल्प लेगी कि 2022 आते आते इस हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्के छत की व्यवस्था न हो जाए, ऐसा एक परिवार नहीं बचेगा।